बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज प्रारंभ हो गया। कई तरह की चर्चाएं सामने थी, कई विषय थे जिनको लेकर के विधानसभा में विपक्ष तैयारी कर रहा था कि सरकार को घेरा जाएगा। आज पहला दिन था, शोक संवेदना प्रकट करने के बाद अनुपूरक बजट टेबल पर रखा गया और उसके बाद कार्रवाई तो समाप्त हो गई, लेकिन जो तल्खियां थी, जो चर्चाएं थी, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से पूरी तैयारी की गई है। हालांकि एक चीज तो नजर आया कि आज की तैयारी में एक बात सामने नजर आ रही थी कि जिस तरह से नीतीश कुमार अलग थलग थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनके सपोर्ट में हामी भर दी है, लेकिन दूसरी तरफ अलग थलग पड़े नजर आए तेजस्वी यादव। कांग्रेस का उन्हें आज समर्थन साथ नहीं मिला, लेकिन इस पूरे कवायद में एक बात पक्का नजर आई कि राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक हैं वो पूरे टसन में और पूरे जोशो खरोश में नजर आए। आलोक मेहता ने सीधे तौर पे बताया कि नीतीश कुमार से सवाल क्या पूछिएगा। उन्होंने पत्रकारों से भी सवाल किया कि आप नीतीश कुमार से हमारे सवाल पूछिए, क्योंकि सदन में तो वो जवाब देते नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के सदन के भीतर क्या क्या होता है, किस तरह से क्या कुछ गेम प्लान रचा जाता है, क्या नीतीश कुमार करते हैं, किस तरह से विपक्ष क्या करता है, और इस पूरे गेम प्लान का, पूरी कार्रवाई के विषय में क्या कुछ होता है, उसको खुल करके आलोक मेहता ने बताया। सुनिए क्या कुछ कहा हमारे साथ बातचीत में आलोक मेहता ने। आज सदन में शोक प्रस्ताव हुआ, पास पारित हुआ, मौन रखा गया। दिवंगत हमारे पूर्व माननीय विधायकों के प्रति, जिनकी मृत्यु विगत दिनों में हुई है, उनके प्रति शोक संवेदना, उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना अर्पित की गई। और जो रूटीन वर्क था पहले दिन का, जो होता है कि सदन में अनुपूरक बजट टेबल किया गया, सदन पटल पर रखा गया और सदन उसके बाद स्थगित हो गए कल तक के लिए। सदन में आप लोग क्या क्या सवाल रखेंगे? इस सदन में तो सवाल पर सवाल रखे जाते रहे हैं, सरकार का जवाब नहीं आ रहा है प्रॉपर, जो होना चाहिए माकूल जवाब। इस पर आप लोगों को सवाल ज़्यादा उठाना चाहिए था, सवालों में कमी नहीं रही है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार का ख़राब है, बद से बदतर होता जा रहा है। 65 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए और उनका कोई मतलब कोई जिम्मेवारी, मैंने सरकार ने अभी तक मौखिक रूप से या लिखित रूप से अपने अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं ली है। ये गैर जिम्मेवाराना कदम जो है, यह बहुत ही प्रजातंत्र के लिए घातक है। नीतीश कुमार ने तो सबको शपथ लिया कि न शराब पिएंगे न शराब पीने देंगे। नहीं, शपथ तो 5 साल पहले भी लिए थे, इस बीच में जो फेलियर हुआ नशाबंदी का, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, उसके लिए किसको जिम्मेवार मानते, बताइए ना भाई, इसका जवाब मिलना चाहिए ना। शपथ दिलाया, शपथ दिलाया, शपथ तो पिछली बार भी दिलाए थे ना, क्या हुआ? ये बहुत खेदजनक बात है। जो प्रजातंत्र की जो मैंने जो में जो एक मोरल नॉर्म्स होना चाहिए था कि भाई घटना घटी, 65 लोग जहरीली शराब पीकर मरे, तो सरकार कहे कि मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं इस्तीफे की पेशकश करता हूँ, ये सारी चीज़ें, सारे वैल्यू सिस्टम अब समाप्त। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।